नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट, और सामने देख रहे हैं आप कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक जो कि केजी पब्लिकेशन से है। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम है इशू फॉरफिशन रेशियो ऑफ शेयर, और क्वेश्चन नंबर चलेगा 16, जिसमें कॉल सिनेरियो वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी है। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है ये भी बताया जाएगा, प्लस एंट्री कैसे बनाई जाएगी वो भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अतुल पढ़ो। On 1st April 2015, X Limited make an issue of 10 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as follows. On application, rupees 3, on rupees 5, on first and final call rupees 3. मतलब जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो अलॉटमेंट के 3 महीने बाद की गई है, ठीक है। आगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13 लाख शेयर्स, द डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट द फुल अमाउंट इन फुल्ली टू एप्लीकेंट्स डिमांडिंग 100 शेयर और मोर शेयर एंड रिटर्न मनी टू द एप्लीकेंट्स। कहने का मतलब ये, 10 लाख इशू किए, 13 लाख आए, 3 लाख एक्स्ट्रा है ना। उन्होंने कहा 100 से ज़्यादा जो मांग रहा है वो सबको पूरे पूरे शेयर दे दूंगा, लेकिन बाकी के 3 लाख जो हैं एक्स्ट्रा वाले उन्हें हम वापस कर देंगे, उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। उसका पैसा एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें कोई शेयर नहीं मिलेगा। अब क्या है, वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल with allotment money, and another shareholder who allotted 300 shares did not pay allotment money on his shares. एक तो वो है जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट सा दे रहा था, एडवांस हो गया। एक वो है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, लेकिन वो बाद में लिखा है but which he paid with the first and final call, director has decided to charge and allow interest at maximum rate as the case may be. Calls in arrear and calls in advance respectively according to the provisions of table F के अकॉर्डिंग में देखना है। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% होता है। अपडेटेड वाला है, टेबल ए पुरानी है, टेबल एफ नई वाली है, जनरेट बनानी है, ठीक है। थक गया, पकड़े पूरे बुक को। तो इसमें नॉर्मल एंट्री बनानी होगी, कैलकुलेशन भी करनी होगी, है ना, सारी चीज सही से करनी होगी ढंग से। तो ये क्वेश्चन रफ करते हैं। देखो 3 कॉल है तो 6 एंट्री तो बनेगी। प्रोराटा ही बनाना पड़ेगा, नहीं प्रोराटा ऐसा लग नहीं रहा। देखने में लग रहा था कि भाई 10 लाख या 13 लाख आए, लेकिन 3 लाख जो एक्स्ट्रा उन्हें वापस ही कर दिया तो काम खत्म। अगर वो एडजस्टमेंट करने वाली बात होता तो प्रोराटा बनता, फिर वहां देखते अलॉटमेंट रोकी गई है, फिर एक्स्ट्रा 15 लाख होते तो नहीं। अगर यहाँ 13 लाख होते और ये 3 लाख एडजस्ट किए जाते तो प्रोराटा बनता, रेशियो भी निकलता, क्योंकि अलॉटमेंट तो रोक रहा है ना, तो वो सब चीज करी जाती। लेकिन यहाँ पे 3 लाख से वापस कर दिए तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होगा, लिखेंगे जरूर प्रोराटा अलॉटमेंट ऊपर और फिर सिर्फ वापस करने वाला सीन बना देंगे। एक सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं, कल का लिखा हुआ क्वेश्चन। तो बच्चों आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं फॉरफीचर की एंट्री याद करना शुरू कर दें, क्योंकि फॉरफीचर वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री याद रहेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। फर्स्ट वीडियो में देखना, वहां पे मैंने दिखाया हुआ है फॉरफीचर की जो भी एंट्री, सब फर्स्ट वीडियो मिलेंगी इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में। तो अब आपको 16 क्वेश्चन करना है, तो 16 क्वेश्चन के लिए पहले यहाँ लिखेंगे 16 और यहाँ लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन कितने की थी, ऑन एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, ऑन अलॉटमेंट कितने की है 5, ऑन फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की, तो 5, 3, 8, 2, 10 हो गए। इसके कॉल के बीच में 3 महीने का डिफरेंस है, कितने महीने का डिफरेंस है, 3 मंथ का, अलॉटमेंट के बाद 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल की गई है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे हमसे कहा जाता है इशू कितने किए गए थे, 10 लाख, थोड़ा सा बड़ा लिखूं, ठीक है। रिसीव कितने हुए, 13 लाख, कितने एक्स्ट्रा है, 3 लाख, ये हमें क्या कर दिया, रिफंड कर दिया इनका पैसा, है ना, रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया इनको पैसा, कोई शेयर नहीं मिला। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी।
इसके बाद हम नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया था कि एक इंसान ऐसा है, कितने शेयर थे उसके पास, 200 शेयर थे, 200 शेयर ने इस वाली कॉल का पैसा यहाँ दे दिया, एडवांस दे दिया, हाँ 200 शेयर पे, तो ये एडवांस हो गया। और एक 300 शेयर वाला है जिसने यहाँ पे 300 शेयर का पैसा नया दे के बाद में रिलायंस हुआ और उसने पैसा यहाँ दिया, एरो भी नहीं बन पाया, देखो 300 वाले ने, उसे अपनी गलती रिलायंस हुई, उसने यहाँ पे पैसा दे दिया। तो कंपनी कहती है चलो एक काम करते हैं, जो कॉल सिनेरियर है उससे तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और जिसने एडवांस दिया है उसको इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, ठीक है, एरिन वाली कॉल भी बनेगी ना, हाँ एरिन वाली कॉल बनेगी, फिर कॉल का पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट उसे दिखाएंगे मिलते हुए, और जिसने एडवांस दिया उसे इंटरेस्ट देते हुए दिखाएंगे, जो एडवांस दे रहा है उसे रिवॉर्ड के तौर पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस देंगे, और जिसने एरियर किया है पैसा लेट दिया है उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसी तो कंपनी सोचती है भाई, जो लेट पेमेंट करता है उसे इंटरेस्ट लेती है और जो पहले पेमेंट कर देता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर इंटरेस्ट दे देगी, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी नॉर्मल एंट्री तो हमें पता ही है, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर एडवांस। तो अगर बात की जाए कॉल इन एरियर की बात की जाए, जो 3 महीने बाद मिल रहा है ना, 300 शेयर का पैसा कहाँ मिल रहा है, 3 महीने बाद, तो यहाँ लिखें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब बताया जाए कि कॉल्स इन एरियर पे पहले परसेंटेज था 5, अब कितना है 10, नए रूल के अकॉर्डिंग, तो नए रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। तो कॉल्स इन एरियर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 300 शेयर इंटू 5 कितना हुआ, 1500 रुपये, जो हमें यहाँ मिलने चाहिए थे वो कहाँ मिले, जाके फर्स्ट कॉल पे मिले, तो हमारी कॉल इन एरियर की अमाउंट कितनी है यहाँ पे देखो, 1500 रुपये, 300 × 5, और किस परसेंट से लगेगा, 10% से, कितने महीने का डिफरेंस है इनके बीच में, 3 महीने का, 3/12 कर देंगे, ठीक है। एक इंसान और टक रहा है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, टाइम से पहले दे रहा है, लेकिन टाइम कितना है इनके बीच में, 3 महीने का, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अब आएगा एडवांस, ठीक है, 200 शेयर का पैसा 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 200 × 2 400 बनता है, ये 400 रुपये कहाँ मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, ठीक है। तो इस पर एडवांस पे कितना इंटरेस्ट था, 12% था ना, × 3/12 भाई, इसका सॉल्व करना पहले, ऊपर वाला सॉल्व करना बेटा, क्या आ रहा है, 37.5, इसका कितना आ रहा है, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, हाँ इस पे 12 रुपये इंटरेस्ट देंगे, उससे हम इंटरेस्ट 37.50 रुपये लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एरियर पे चार्ज करते हैं और एडवांस पे अलाउ करते हैं, ठंडी हवा आ रही है, डाउट तो नहीं। अब हम नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं 10 लाख रुपए से पहली वाली, या 13 लाख से करें, बताओ पहली एंट्री किससे होगी, 13 से, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा पहली एंट्री ज्यादा वाले से होती है, अंडर वाले में सबसे कम से ही होगी सारी एंट्री, एक ओवर वाले में, तो यहीं से एंट्री शुरुआत करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें इक्विटी वर्ड यूज किया है नहीं किया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 13 लाख इंटू कितने हो जाएंगे, 3 रुपए, है ना, 39 लाख, वीडियो चल रही है भाई, बीइंग, अभी वो रफ करने में टाइम लगे ना, इनको बोर हो जाएगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे बीच में बच्चे, तो बीइंग इक्विटी मतलब बीइंग शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हो गया रिसीव्ड। फिर आता है अगला सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आए, तो बच्चों यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
और फिर अलॉटमेंट में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, उसे वापस हो रहा है टू बैंक अकाउंट, हो गया। अब 3 लाख जो एक्स्ट्रा थे वापस आ रहे हैं, तो 3 लाख इंटू 3 और 10 लाख जो हमने इशू किए थे इंटू 3 3 से है 30 लाख रुपए हमें रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन हो गए हमारे ज़्यादा, तो 9 लाख हमने वापस कर दिए, टोटल हमारे 39 लाख रिसीव हुए थे, जिसको हमने एडजस्ट कर लिया बींग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड बैंक, है ना। कुछ पैसा हमने कैपिटल डाल दिया, कुछ बैंक वापस कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री किस बात की बनेगी, अलॉटमेंट ड्यू होने की, बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अभी एरर भी आएगा उसमें, नहीं वो रिसीव वाली में होता है। हाँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ये नॉर्मल हो गया। हम मांग रहे हैं कितने रुपए, 5 रुपए। कितने से मांगेंगे, 10 लाख से मांगेंगे, तो 10 लाख इंटू 5 तो ये हो जाएगा 50 लाख। थोड़ा सा इधर उधर हो गया एंगल, थोड़ा इधर चल देता हूँ, चल जाता है। कहेंगे ना बच्चे एक लाइन खींचते तो तुम्हारी लाइन पे आती है। बींग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, है ना, हो गया ना। फोर्थ पॉइंट अब मिलेगा। अब हमें सोचना है कि जब पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। नहीं पहले तो उन्होंने रोकने वाली बनेगी ना, यहाँ पे दो हिसाब होगा मिलने पे। अलॉटमेंट पे हमें दो तरह का हिसाब हो रहा है, एक तो पैसा रुक रहा है और एक एडवांस दे रहा है, दोनों के साथ करना पड़ेगा। और विद एडवांस भी देगा तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसको क्या दिया जाए, इंटरेस्ट। उसको हम इंटरेस्ट देने के इससे अगले वाली एंट्री में पार्ट कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर करूँगा तो घिचड़ पिचड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। कि मतलब पैसा मिला तुरंत एडवांस दे दिया, पहले आने तो दो एडवांस का पैसा, आने दो नेक्स्ट एंट्री में से पेमेंट कर दो। वरना सोचेगा यार फर्स्ट कॉल पैसा तुरंत अलॉटमेंट मिला और यहीं पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का भी। थोड़ा रिलैक्स होकर करो, पहले नॉर्मल एंट्री बनाते हैं मिलने की, नॉर्मल बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये नॉर्मल एंट्री है। पैसा मिलेगी, जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, पैसा एडवांस, मतलब एक तो एडवांस मिल रहा है और एक एरियर भी है, तो जो एरियर है वो तो डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और एक एडवांस मिला तो यहाँ आएगा टू कॉल्स इन एडवांस, है ना। अभी एक लाइन की जगह है, इसमें मैं कॉल से एडवांस का इंटरेस्ट लिख सकता हूँ, लेकिन वो घिचड़ पिचड़ बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, है ना। ये फिर आप ही कहाँ डालोगे अभी वाली को, फर्स्ट को फर्स्ट इन फाइनल कॉल में, क्या चीज जो इनको इसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो सबके बंदा है, मतलब जो इंटरेस्ट देना है, एडवांस अभी मिला है, अब इंटरेस्ट देने की बारी है, हाँ देना है, तो वो देने वाली एंट्री जस्ट इसके नीचे बना दूंगा। अब मैं नीचे बनाऊंगा तो फिर बैंक नीचे फिर लिखना पड़ेगा, वो तो घिचड़ पिचड़ ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो उस चीज को। अभी बस ये देखो, हमें यहाँ पे मांगा कितना था, 50 लाख, है ना। उसमें से एरियर कितना हुआ, एरियर हुआ 300 × 5, 1500 होगा। एडवांस कितना, 200 × 2, 400। तो इन दोनों को प्लस करके से माइनस करो, अमाउंट आएगी जितनी में रिसीव होनी चाहिए अलॉटमेंट पे। करियो भाई, 50 लाख 400 में से 1500 माइनस कर दे, 1100 माइनस कर दे, इधर से 49 लाख, 98,900, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना हुआ।
बीइंग, ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, है ना, बाकी कुछ नहीं, पैसा तो मिल ही रहा है, खत्म बात। पांचवी, जो एंट्री हमने बनाई थी एडवांस मिलने की, और उस पर क्या हुआ, इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। अब जिसको एंट्री नहीं पता, वो एग्जांपल में छः बोला था ना, छः के आसपास एरियर की है, सात के आसपास उसकी होगी एडवांस की एंट्री, तो वो उस पर जाके देखे पेज नंबर पे, अभी याद नहीं, लेकिन इंटरेस्ट देने की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, अभी तो एडवांस दे रहा हूँ ना, एडवांस मिला तो दे रहा हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट, हाँ, टू बैंक, ठीक है, ये पेमेंट करने की होती है, और कितना पेमेंट कर रहे हैं एडवांस पे, 12 रुपए, सिर्फ 12 रुपए, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, हाँ भाई, अब तो 12 की आती है, आलू पेटीज तो आ जाएगी, 5-5 लाख तक की शेयर खरीदे, ऐसे मामला हो जाता है। तो 6 एंट्री अब फर्स्ट कॉल डी होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, 3-2 रुपए की थी ना, तो 10 लाख इंटू 2 करेंगे 20 लाख, ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना, इतना हो गया। अब मुझे पता है अलॉटमेंट पे जो एरियर था उसका मन पिघल गया और उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, अब देगा तो वो इंटरेस्ट साथ देगा, उसे तो पता ही है कि जिसने कॉल से एरियर किया उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कंपनी ये कह रही है, ये 3 महीने इसलिए, हाँ 3 महीने का डिफरेंस किया इसीलिए तो इंटरेस्ट दिया है इसने, चलो अच्छी बात है, फॉर फ्यूचर से बच गया, अगर ये ना देता पैसे तो इसका लास्ट टाइम वही था कि फॉर फ्यूचर 14 दिन का नोटिस देते और फॉर फ्यूचर कर लेते। अब यहाँ पे 7 एंट्री बनेगी, 7th एंट्री, लेकिन नए मार्केट से नीला तो चले ना रहा यार, हाँ नीला पता अच्छा लगेगा, एक लाल भी लेकर खूनी वाला। अब देखो बैंक चमक जाएगा, अकाउंट डेबिट, थोड़ा दूर करूँ, ठीक है, अब पैसा मिल रहा है, किस चीज का मिल रहा है, टू एडवांस, नहीं पहले नॉर्मल, कौन सा था, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, जो यहाँ एरियर था वही तो पैसा यहाँ मिल रहा है और विद इंटरेस्ट मिलेगा, तो यही कर देता हूँ इसका काम, तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना मिलेगा, 37,500 रुपए तो इंटरेस्ट मिलेगा 3 पेटीज के बराबर, और एरियर कितना मिला, 1500 रुपए, और बाकी टोटल हमें ये 20 लाख रुपए मिले थे, ठीक है, 20 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनको जोड़ेंगे तो 20,1537.5, 20,1537.5 सही जा रहा है, ठीक है, 20,1537.5 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, आवाज से ध्यान दे रहा हूं जैसे जैसे लिख रहा हूं, हो सकता है इस रियलमी कैमरे साफ ना चमक रहा हो थोड़ा थोड़ा, है ना, लेकिन बातों के हिसाब से साफ चमक रहा होगा, भावना को समझो, बाकी आप फॉरफिचर की एंट्री याद कर लो भाई जल्दी से, और यही था
बस इसका सीन अलग क्या हुआ, देखो एक तो कॉल सिनेरियो एडवांस आपका एमसीक्यू में ये चीज तो पक्का है, ये पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देगा कि किसी बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया, उनके बीच में डिफरेंस है 3 महीने का, बताओ कितना इंटरेस्ट भैया तो इसकी दूसरी देना पड़ेगा। कौन सी वाली, ये एरियर वाली मैंने मिक्स कर दी ना, वहीं पे मैंने मिक्स कर दी उसी एंट्री में ना, मैं अलग से बनाता बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो, हां फिर उसके बाद दूसरी बनती, नहीं नहीं मैं अलग से बनाता, मैं इस एंट्री भाई मैं यहां तक रखता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल सिनेरियो तक, इस वाली की एंट्री में अलग बनाता, लेकिन मैं अलग ना बना के यहीं बना दिया, ठीक है मिक्स कर दिया, वरना फिर वही बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। स्वातियों बस इसी चैप्टर के बारे में थ्योरी ज्यादा दी हुई है और तो समझ बाकी में किसी में नहीं रखा, फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मिस गए पूछे थे कि कौन से क्वेश्चन में पढ़े, मैं हिंदी वाले हो तो चित्रा, इंग्लिश वाले हो तो स्वाति, और अगर सही हिसाब किताब है तो दोनों ले लो, दोनों पढ़ लो, है ना। अभी चित्रा के तो जनवरी में कह रहे हैं, जनवरी के आसपास आएगी, वो चित्रा लेट आती है पेपर उसी में फंसता है, लेकिन लोग कहते हैं स्वाति से फंसता है। चलो ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर चुके होंगे वरना मैं यहाँ पे स्वाति देगा ये चित्र चित्र। अरे बुक यार ऐसे मत सो, तो मैं तो ऐसे क्यों बुक के बारे में बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं वीडियो एंड करता हूँ।